हाय हाय गावें गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक्शन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना फिर दी। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत ने अपना नाम इंडिया से भारत में कर दिया शिफ्ट, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान में मच गया भाई धमाका। इंडिया से भारत कर दिया। इंडिया से भारत कर दिया, मतलब इस दुनिया में इंडिया को इंडिया ही बोला जाता है, हाँ लेकिन अब इंडिया कह रहा है कि अब इंडिया नहीं, भारत, अच्छा, सिर्फ भारत। सिर्फ भारत। ओए अच्छा, हो, ये ये तो तो पहली दफा मैंने मैं सुना है खुद यार, लेकिन अब ये भाई। आवाज क्या कर सरकारी रहा है तौर पे भारत देखा जाएगा, भारत पूरी दुनिया में। तो बहुत कड़ा अच्छी बात करते हैं है। स्टार्ट। बेइंतहाई बेहंगम, एक ये बेहंगम, मोदी और जी मैं का उसको भारत है ना, समझने से कासिर हूँ। ये पूरे तो इंडिया का चार नाम चांद भारत लगा कर दिए दिया मोदी ने। इंडिया अपने नाम को ऑफिशियली भारत पे शिफ्ट करने वाला है। तो भारत एक ओ, बहुत ही पुराना नाम है, जैसे देखो महाभारत हो गया। इसके अलावा अखंड अखंड भारत का भारत हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। ये भी बना के ये सही भारत के किया जो हुए प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब ना। इनविटेशन बनाया अपना G20 के लिए डिनर का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। रिपब्लिक ऑफ भारत देखा, भारत, और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई? ये भारत नहीं है, भारत भूमि नहीं है, हाँ क्या लिखना था क्या वहां पे? लिखा जाए? तो इंडिया है ना, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन करेंसी, फिर भारत इंडो एयरलाइंस, पैसिफिक, हाँ मतलब है कि इंडियन टीम, इंडियन भारत टीम, डिप्लोमेट्स, भारत इंडियन, टीम। मतलब इंडिया को भारत करने से क्या होगा? अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो एक इंडिया है, भारत की छवि तो होगी, इसको कोई मतलब भारतीय। नॉन इशू नहीं होता कि जी कुछ नहीं है, चूंकि वेले बैठे हुए हैं, तो चलो एक ऐसा ये कर लो। बहुत अच्छा आज के जो एग्जाम्पल फादर याद थे दिखाई। उनके हाँ अपनी चीज को इलाहाबाद रिप्रेजेंट किए, बोले तो हाँ, प्रयागराज है। प्रयागराज से आगे के पास एक टाउन है और उसका नाम है इंडिया जकड़ा। तो गौरव ने जी हाँ, रखा वो हुआ था, कड़ा से थे और मैंने पुराना नाम उनको था कभी भी ये नहीं देखा भारत। कि सही उन्होंने है, इंडिया बोला हो, वो हमेशा भारत ही बोलते थे। कहते इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पिछड़ियों पड़ता, लगता ही ना ही चलन उनको कोई फर्क पड़ता है। हाँ, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। वो आगे से कह रहे हैं कि जी हम इसका अपने शर्म होती है, भारत प्लस प्लस बना देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तुम नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नहीं, नाम बदलने से बेशक कुछ नहीं होता, हो लेकिन नाम हमने तो हमने भी तो चीज नाम पाकिस्तान रख दिया। के क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम लिए कहें कि भाई ये पाकिस्तान तो और इसी के पाकिस्तान इस्लाम के नाम से कायम हुआ था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत का नाम फिर से भारत रखा जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये कभी इंडिया था ही नहीं। अगर हम पुराने दिनों पे चले जाए तो महाभारत में क्या गया गया था, और श्री कृष्ण ने क्या किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और अगर रामायण में चले जाए तो उसमें क्या कहा गया था, जब लव कुश ने श्री राम जी के सामने ये पढ़ा था कि जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष, तो उसमें भारत क्यों मेंशन किया गया था? ये शायद कुछ लोग भूल गए हैं, या फिर ये कांग्रेस बीजेपी करके ये कुछ लोग अंधा हो गए हैं। इसलिए कल ये अगर कांग्रेस भी करती तो इसको भी हम सपोर्ट करते, क्योंकि ये भारत है, भारत था और भारत ही रहेगा। लेकिन इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा चूल मची है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई अगर भारत हो गया तो अखंड भारत भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। बेइंतहाई बेहंगम, एक बेहंगम, और मैं उसको समझने से कासिर हूं। अगर एक बेहंगम सा, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करो, एक बहुत ही बेहंगम सा फैसला हुआ है इंडिया में, और मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। मैंने उसको मैं बताता हूं क्या वजह है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्या हुआ, समझ नहीं आ रही क्यों किया है। अकल मान लोग, अच्छा अब भारत जो है वो, और वो उनकी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने G20 समिट के अंदर जो अशाइये के लिए खतूत भेजे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये भारत है। अच्छा, यानी रिपब्लिक ऑफ भारत, अब रिपब्लिक ऑफ भारत तो एग्जिस्ट नहीं करता, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में गालिबन भारत और इंडिया दोनों के अल्फाज हैं, लेकिन ये नाम तब्दील करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। अच्छा, अब ये रिपब्लिक ऑफ भारत हो गई, तब तो अब मसला जो है ये इससे क्या होगा भाई, काम शुरू। मुझे बताइए ना, इससे क्या होगा, इस सवाल इसके कि इस पे, यानी हम पाकिस्तान में, आप यकीन करें मुझे कभी तसव्वुर, हम कहते हैं भारतीय, पाक भारत टीम, तो हम भारत यूज करते हाँ, हैं हाँ, हाँ। यानी आप ये देखें ना कि हम पाक भारत टीम, ठीक है ना, भारतीय फिल्म साज, हाँ। हम तो बहुत कम, हमें तो आइडिया ही नहीं कि यार ये इंडिया और भारत भी इतना बड़ा इशू है, और ये इसको उन्होंने भारत का, अब मुझे बताएं अगर नाम आपने चेंज कर दिया है तो ये इसमें, पहले तो ये हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान तो ये इंडिया का जो लफ्ज़ है, इंडिया हिंदुस्तान भारत, और ये पहले जो है ये दरिया सिंध से सिंधु, और फिर उसके बाद वो एच इस्तेमाल करना बंद हो गया दरमियान में, और फिर वो वहां से हिंदू निकला, और फिर उसके बाद जो ग्रीक्स आए तो फिर उन्होंने ये भारत ने ठीक किया, इंडिया का पुराना नाम है ग्रीक्स के दौर में, और उससे पहले किंग जो भारत था, भारत नाम की हिस्ट्री ना हजारों से लाखों साल का, और वो किंग भारता जो कि शकुंतला उनकी वालदा थी और बादशाह थे उनके वालिद भी,
तो उनके नाम से इन्होंने मंसूख किया है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आर्यावत्रा भी नाम रहा है कई साल तक, फिर उसके बाद जम्बूद्वीपा भी नाम रहा है कई साल अगर हम दिखा सकें, तो उसके बाद हिंदुस्तान भी रहा है। अच्छा हिंदुस्तान तो फिर वो दरिया सिंध से निकला ना, सिंध से वो हिंद हो गया, बहुत बड़ा मुल्क है यार हिंदुस्तान, पोलो भी आ रहे हैं सही जगह पे है हिंदुस्तान कह रहे हैं स्थान, तो दुनिया को हिलाने आया भारत, तो स्थान जैसे अभी आप सेंट्रल एशिया में देखिए मोदी जी ने भारत को ऐसा कर दिया, हिंदुस्तान भी इस्तेमाल होता रहा, इंडिया भी इस्तेमाल होता रहा, और इसमें जो है लेकिन आज उन्होंने नाम चेंज करने का ऐलान कर दिया सही, और नाम चेंज हमें क्या यार वो करें, तो मैं तो इसकी ये एक होता है ना नॉन इशू है, मतलब मुझे बताएं कि अब उनकी जो तो वो नहीं है, इनकी जलन होती है मीडिया वाले तो वो सारे पाकिस्तानी चलते हैं भारत यू नाम रख रहे हैं, इसी तरह से उनकी तो आई ये हिंदुओं का साजिश है, वो है मुसलमानों पर खत्म हो जाएगा, इंडियन के पास यही सोचे हैं, इंडो पैसिफिक मतलब है कि इंडियन टीम, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन मतलब इंडिया को भारत करने से क्या होगा। अच्छा ब्रिक्स के अंदर आप आई है तो इंडिया है, मतलब इसको ये एक होता है ना नॉन इशू नहीं होता कि जी कुछ नहीं है चूंकि वेले बैठे हुए हैं तो चलो एक ऐसा कर दो कि कौन कौन तकसीम हो जाए, नहीं नहीं असल वेले तो इधर हम बैठे हुए हैं, लेकिन मैं हम कह रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया इंडियन और भारत का हमें तो पता ही नहीं कि हम तो अक्सर कहते हैं पाक भारत मैच हो रहा है, हम भारत यूज करते हैं, अब इंडिया जो कोई ऑपोजिशन का इतिहास बन गया तो उठा के नाम चेंज कर दिया। अच्छा वो आगे से कह रहे हैं कि जी हम इसका अपने इसको भारत प्लस प्लस बना दें तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके भारत का नाम भी तो दिल तेरे, मतलब ये कि ये एक ऐसी और इसका करोड़ों रुपए का और ये इतना इतना टाइम लगेगा इसके अंदर, ये तो आपने कह दिया ना इलेक्शन स्टैंड के तौर पे, इसको जो प्रैक्टिकली करेंसी चेंज होगी इंडियन ओरिजिन पासपोर्ट चेंज होंगे, करेंसी चेंज होगी, डिप्लोमेट्स चेंज होंगे, उनके नाम उनके क्रेडेंशियल्स उनके, तो ये मुझे नहीं पता अच्छा इशू कहां से छेड़ दिए, इंडिया के आगे कुछ भी नहीं ठहरता भाई, नाम अच्छा ये मैं आपको इंडिया का नाम ये जो है ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये हिंद से सॉरी दरिया सिंध से उस तरफ का इलाका जब अंदर आया तो उस तरफ का इलाका तो वो उससे हिंद भी उसी से निकला है, तो हिंदू भी उसी से निकला है। एग्जैक्टली इधर हुई वीडियो खत्म, मैं बात करता हूं कि भाई वो हमारी तरह वो क्या कहते हैं कछुए नहीं है जो होली होली यूं यूं कर, हम तो कछुए से भी पीछे हैं, भारत में सारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, एक फॉर्म फिल करेंगे ना उनके घरों में उनके पासपोर्ट उनका आधार कार्ड जो भी होगा उनके घरों में आ जाएगा, उधर सारा ऑनलाइन सिस्टम है, उधर भाई सही गा रहा है भारत, मैं बताता हूँ ना क्यों सही गा रहा है भारत, महाभारत अखंड भारत, ये महाभारत कब की है 5000 साल पहले से, बिल्कुल महाभारत जो ये उसके ना बिल्कुल इंडिया तभी ये तभी महाभारत की जब वजह से यही कर रहे हैं ना, वही ना महाभारत, भारत बहुत पुराना नाम है, मेरे ख्याल से शुरू से भारत ही नाम है इस जगह का, जो भारत का जो एरिया है इंडिया का, तो भाई साहब भारत बहुत अच्छा स्टेप कर रहा है। मैं एक पर्सनली बात करूंगा हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का मतलब स्थान, मुझे ये बहुत अच्छा नाम लगता है हिंदुस्तान और भारत, भारत मुझे अच्छा लगता है, इसमें कल्चर नजर आता है, कल्चर का पता लगता है, इंडिया इंडिया एक इंग्लिश नेम है लेकिन हाँ है, मतलब देखो इंडिया इंडिया है भाई इसमें कोई शक बंद, लेकिन दुनिया ज्यादा इंडिया को ज्यादा भारतीय भारत हिंदुस्तानी हिंदुस्तान इससे पुकारती है, बिल्कुल मोदी जी ने सोचा कि भाई अपने इंडिया का नाम पुराने भारत भी क्यों ना पक्का पक्का शिफ्ट किया जाए, जो पक्का नाम था इसका भारत 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 वो भारतीय मतलब भारत के भारतीय के मतलब के इसमें ना हिंदुस्तानी होगा तो ना ये है कि ना ये मुसलमान झूठे प्रोपेगेंडा कर पाएंगे कि भाई इसमें भारत ने नाम अपना इंडिया ने हिंदुस्तान रख दिया हिंदुओं की जगह है मुसलमानों को काट डालेंगे ये वो पता है भाई वहां पर मुसलमानों का कितना प्यार देते हैं, अब इनकी तब जल रही है कि कहीं ये भाई मतलब कि भारत नाम रखे इसमें मुसलमानों की जगह नहीं होगी, ये नहीं यार ये चीज नहीं, भारत में सारे मोदी जी हर बंदे को जगह देते हैं, सारे मजहब के लोग रह रहे हैं सारे मजहब के लोग, लेकिन ये लोग ऐसा कर ये लोग सोचते हैं कि ये चीज खत्म ना हो जाए, सच्ची बात उन्होंने एक झंडे तले मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन सब को एक कर दिया लगा, अभी भारत का नाम मैं कहता हूँ भारत नाम रख रहे हो ना ये मैं कहता हूँ भारत की हिस्ट्री का सबसे अच्छा फैसला, अच्छा बहुत प्यारा बहुत प्यारा, ये इसके थ्रू दुनिया के अंदर
आप लोगों की ऐसी छवि पावर वाली जाएगी ना कि भारतीय हैं ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है इनको बड़ी मुश्किलात पेश आ गई, क्यों नोटों पे चेंज करेंगे और चीजों पे चेंज करेंगे, पासपोर्टों पे चेंज करें, सब कुछ चेंज करें, ये एक महीने के अंदर सब हो जाएगा क्योंकि उधर ऑनलाइन सिस्टम है सारा, हमारी तरह नहीं है कि दफ्तर में जाओ तो ये करो तो वो करो, वो दुनिया आगे निकल गई, चांद पे पहुंच गए हैं भाई, हम लोग अभी तक जमीन में उनको पासपोर्टों को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, वही ना इधर ही वीडियो खत्म कर।